Hello everyone and a very warm welcome. So guys, this is session number 16 for NABARD phase 2, and again we'll be discussing the content related to one of the questions that was given. काफी बच्चों ने इसके ऊपर आंसर लिखे हैं और काफी अच्छे आंसर लिखे हैं. सिंपल क्वेश्चन था एंड 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन था, उसको हम डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो आपका ऑब्जेक्टिव एलिमेंट भी है पेपर के अंदर, या आप IBPS AFO या किसी भी एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो वी ऑल्सो हैव MCQ कोर्स जिसके अंदर आपको 2000 प्लस MCQs अवेलेबल होते हैं. टेस्ट की फॉर्म में होते हैं, पहले आप उनको सॉल्व करते हो और फिर उसका आपको डिटेल्ड सोल्यूशन जो है वो भी मिल जाता है, ठीक है. एंड काफी लो प्राइसेस के ऊपर इसको हमने रखा है, 50% अभी ऑफ भी चल रहा है, 300 रुपीज में आपको अराउंड ये पड़ता है. डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड इसका एक फ्री टेस्ट भी डला हुआ है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो क्वेश्चन दोस्तों इस लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कस करना है वो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया. 400 वर्ड्स के लिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, 10 मार्क्स. कंटेंट सबको पता है इसके अंदर क्या आना है. देखो पेपर के अंदर भी ना इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं जिसके अंदर गेम ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं. अगर कोई फेज टू के अंदर पहुंचा है तो ये एक्सपेक्टेड है, एग्जामिनर को भी पता है कि इस क्वेश्चन के बारे में सबको पता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया सबको पता है, एलुवियल हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, सबको पता है. इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पता किसी को, कुछ आता ही नहीं. जैसे कई बार कोई क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि भाई आइडिया ही नहीं है कि लिखना क्या है, तो ये वो टाइप का क्वेश्चन नहीं है. इसमें अल्टीमेटली चैलेंज क्या होता है कि आपको पता है कि क्या क्वेश्चन है, आपको ये पता है कि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है. अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा गेम होता है, 400 वर्ड के अंदर आपने डालना है, ठीक है. अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, अब कहने को तो कोई समझदार आदमी हो कह दे दैट देयर आर दीज टाइप ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, दीज सिक्स टाइप ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, 1 2 3 4 5 6, बात खत्म, काम खत्म. उसमें आप जस्टिफिकेशन की टाइप्स ऑफ सॉइल तो पूछे हैं. अब कुछ बुद्धिजीवी कहेंगे कि सर वर्ड लिमिट, हम तो इसको 10 वर्ड में खत्म कर देते हैं. बट जब उसने आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया पूछ लिया ना, इसके अंदर हिडन एलिमेंट है कि हमको उन टाइप्स के बारे में बता, ठीक है, उन सॉइल्स के बारे में थोड़ी हमको इंफॉर्मेशन दे. अब हर टाइप ऑफ सॉइल के बारे में आप कम से कम 100 से 150 वर्ड लिख सकते हो, तो वो भी एक चैलेंज है कि कैसे उसको हमें छोटा करना है. तो ये बेसिकली एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करेगी, कितनी इंफॉर्मेशन आपने कम से कम वर्ड्स के अंदर प्रोवाइड किया वो आपका बहुत ज्यादा मैटर करेगी, ठीक है. सिस्टम वही रहेगा क्वेश्चन के अंदर, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वो तीनों एलिमेंट होने चाहिए. तो इंट्रोडक्शन अगर मुझे स्टार्ट करना हो टाइप्स ऑफ सॉइल का, तो मैं इस तरीके से कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ कि जी देखो जो सॉइल की क्लासिफिकेशन है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है, रीजन और फैक्टर्स जो सॉइल की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके ऊपर सॉइल का जो टाइप है या क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करेगी, ठीक है. अब रीजनल और नेचुरल फैक्टर्स आ जाते हैं इसके अंदर. नेचुरल फैक्टर्स और रीजनल में क्या आ गया कि भाई माउंटेनियस एरिया है, डेजर्ट एरिया है, सी कोस्टल एरिया है. तो माउंटेन एरिया में अलग टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म होगा, डेजर्ट एरिया में अलग टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म होगा, कोस्टल एरिया में अलग टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म होगा, और हर सॉइल का कलर भी अलग होगा, हर सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो भी वेरी करेगी, ठीक है जी. अब कुछ सॉइल जो है उनको हम कलर से डिस्टिंग्विश करते हैं कि भाई रेड है, ब्लैक है, कलर के ऊपर है ना. कुछ होते हैं आपके लेटराइट हो गए, एल्यूवियल हो गए, जिसको हम किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, उनके केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं. तो ये एक मेरा इंट्रोडक्शन बन जाएगा जहां पर मैं टाइप्स ऑफ सॉइल बेसिकली होता क्या है वो एक तरीके से मैंने बता दिया कि टाइप्स ऑफ सॉइल जो होता है वो सॉइल्स के अंदर वेरिएशन जो आती है उसकी वजह से अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल फॉर्म होते हैं. अब यहां पर मैं एक कनेक्ट दे दूंगा, ठीक है, बॉडी के साथ कि इन इंडिया मेनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड, ठीक है. ये एक कनेक्टिंग लाइन देकर के मैं शुरू हो जाऊंगा. सबसे पहले आ जाऊंगा मैं रेड सॉइल के ऊपर. अब मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है जी. सबसे पहले तो मैं बोल दूंगा कि रेड इसको क्यों बोलते हैं, रेड सॉइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेडिश है कलर में. रेडिश क्यों है कलर में, क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है जी. दूसरी चीज मैं बता दूंगा कि ऑर्गेनिक कंटेंट के अंदर ये डेफिशिएंट है, जो एक फर्टिलिटी करेक्टरिस्टिक देता है सॉइल को, एंड तभी रेड सॉइल के अंदर जो फर्टिलिटी है कंपैरेटिव टू अदर सॉइल्स लो है. तमिलनाडु में मेनली अपने को रेड सॉइल मिलता है. तमिलनाडु का जो 2/3 कल्टीवेटेड एरिया है वहां पर रेड सॉइल आपको मिलेगा. उसके अलावा सदर्न इंडिया में कर्नाटका, गोवा, दमन एंड दीव, आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्टर्न महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार के कुछ पार्ट्स, वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज जो है वहां पर भी आपको रेड सॉइल मिल जाएगा.
इमीजिएटली मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर आ जाऊंगा, ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल्स मेनली आपको डेक्कन इंडिया के, डेक्कन इंडिया में मिलते हैं, एंड डार्क ब्राउन से डीप ब्लैक इसका कलर रहता है. ऑर्गेनिक मैटर में रिच होते हैं और कॉटन ग्रोइंग के लिए फेमस होते हैं, इसी वजह से इनको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है. इसके अलावा ये कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम के अंदर भी रिच होते हैं. क्रॉप्स जो सबसे ज्यादा ग्रो की जाती हैं वो है कॉटन, टोबैको, चिली, ऑयल सीड, ज्वार, रागी, मेज. ये मेजर क्रॉप्स हैं जो ब्लैक सॉइल के ऊपर ग्रो की जाती हैं. महाराष्ट्र के लार्ज पार्ट्स में, वेस्टर्न एमपी, गुजरात, तमिलनाडु में ये आपको मिलेंगी. एंड ब्लैक सॉइल्स जो है जो अपलैंड एरियाज में मिलते हैं, जो ऊपरी इलाकों में मिलते हैं, वो कंपेयर टू द ब्लैक सॉइल दैट इज फाउंड इन वैली या लोअर रीचेस में जो मिलता है, तो अपलैंड वाला ब्लैक सॉइल कंपैरेटिवली कम प्रोडक्टिव होता है एज कंपेयर टू द ब्लैक सॉइल फाउंड इन द लोअर एरियाज. नेक्स्ट आ जाता है जी आपका ब्राउन सॉइल. ब्राउन सॉइल बेसिकली अगेन कलर से डिस्टिंग्विश करते हैं, ब्राउनिश होता है कलर के अंदर. एंड नॉर्मल सॉइल जो आपको जमीन पे चलते हुए सॉइल मिलता है ना, ठीक है, जब आप ग्राउंड में से निकल रहे हो आपको ब्राउन सॉइल दिखता है, तो वो क्या है, बेसिकली आपका ब्राउन सॉइल है ना, ज्यादातर आपको मिलेगा एंड ऑर्गेनिक कंटेंट के अंदर रिच होता है. लेटराइट सॉइल आपको मेनली मिलेगा कर्नाटका, केरला, एमपी, ओडिशा में जो ईस्टर्न घाट्स हैं, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के अंदर. ऑर्गेनिक मैटर में रिच होते हैं वहां पर, जहां पर ये लोअर एलिवेशन में है, निचली इलाकों में है, वैली एरियाज में है, और वहां पर आप पेडी ग्रो कर सकते हो. हायर एलिवेशन में टी, कॉफी, रबर, किन्होना जैसे क्रॉप्स हैं, इनको आप ग्रो कर सकते हो. एंड ये सॉइल्स आपको ज्यादातर कहां मिलेंगे, जहां पर मॉइस्ट क्लाइमेट है, जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है. उसके बाद आ जाते हैं जी एल्यूवियल सॉइल. हाईएस्ट शेयर है सॉइल वैरायटी का, सबसे ज्यादा सॉइल इंडिया के अंदर आपको एल्यूवियल सॉइल ही मिलेगा. और ये मेनली डिपोजिशनल सॉइल है. ये गेंजेस और ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो है नॉर्थ के अंदर, वो अपने साथ जो सिल्ट लेकर के आते हैं उससे एल्यूवियल सॉइल फॉर्म होता है प्लेन एरियाज के अंदर. नॉर्थ की अगर हम बात करें या ईस्ट यूपी, वेस्ट बंगाल और असम की बात करें, और अगर आप सदर्न रीजन की बात करोगे या वेस्टर्न रीजन की बात करोगे तो गुजरात, तमिलनाडु, केरला के अंदर भी आप वहां पर आपको ये सॉइल फॉर्म हुआ मिलेगा. ये जो सॉइल्स होते हैं लाइम के अंदर रिच होते हैं एंड इनके अंदर थोड़ा सा आपको सैलिनिटी, एल्कलिनिटी ट्रेट्स भी देखने को मिलेंगे. डेजर्ट सॉइल्स आर लो इन ऑर्गेनिक कंटेंट. वेस्टर्न राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आपको मिलते हैं और बेसिकली ये अरावली रेंज और इंदस रिवर से इन्फ्लुएंस सॉइल्स होते हैं. ये भी आपको एल्कलाइन और सेलाइन करेक्टरिस्टिक्स इनको अंदर आपको मिलेंगे. इसके अंदर बहुत सारे वाटर सॉल्यूबल मिनरल्स होते हैं, फिर भी ये न्यूट्रिएंट कंटेंट इसके अंदर जो यूजफुल न्यूट्रिएंट है वो काफी लो होता है. फिर भी आप इसको कोकोनट, कैश्यू वगैरह जैसी क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हो, जहां पर अच्छी खासी बारिश है आपके पास. पेराई सॉइल्स कौन से होते हैं बेटा? ये आपको मेनली हिमालयन रीजन के अंदर मिलेंगे, जैसे जे एंड के, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, जो हिमालयन स्टेट्स हैं बेसिकली, जहां से हिमालयाज पास आउट करते हैं. ये बेसिकली किस वजह से बनते हैं, जो लोअर हिमालयाज होते हैं उनका जो मटेरियल की डाउनवर्ड मूवमेंट होती है ना, ठीक है, जो भी वो अपने साथ कंकर, पत्थर, जो सब मटेरियल लेकर के आते हैं, उसकी वजह से ये सॉइल फॉर्म होते हैं. सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट्स इसके अंदर आपको मिलते हैं. एंड इंडिया के अंदर अराउंड 7 मिलियन हेक्टेयर लैंड ऐसा है जो सेलाइन एंड एल्कलाइन के अंदर आता है, जो कंप्लीटली अनसुटेबल कंसिडर किया जाता है कल्टिवेशन के लिए. तो ये हमारे टाइप्स ऑफ सॉइल हो गए. अब ये देखो सॉइल के अंदर, इन सॉइल्स के अंदर बहुत सारा कंटेंट और डाला जा सकता है, बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स आप बता सकते हो कि इसमें रिच है, इसमें पुअर है, उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन ये आंसर, अब जनरली मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, लेकिन ये वाले आंसर के अंदर मैंने कंटेंट को बहुत कम रखने की कोशिश इसीलिए की है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, आप फेज टू की तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको सॉइल्स के बारे में तो पता है, टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में भी पता है, करेक्टरिस्टिक ट्रेट्स के बारे में भी पता है. मेजर इशू कहां पर आता है कि इसको कैसे 400 वर्ड के आंसर में ढाल सके. तो ये सारा कंटेंट आपको इसको 400 वर्ड के आंसर में डालने में हेल्प करेगा. इनमें से कोई पॉइंट छोड़ करके कोई अपना पॉइंट आप डालना चाहते हो तो वो भी इजीली आप कर सकते हो. अल्टीमेटली आप कंक्लूड कर दोगे कि जी देखो जो टाइप है या क्वालिटी है सॉइल की, वो क्रॉप के टाइप को डिटरमिन करती है कि कौन सा क्रॉप आप ग्रो कर सकते हो एक रीजन में, वो उसके सॉइल के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि सॉइल जो है प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड नेचुरल मटेरियल है, हर जगह मिलता है, लेकिन टाइप और क्वालिटी जो है वो हर जगह पर अलग होगी. ओके, क्योंकि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप की आपको मिलेंगी और यही डिफरेंट क्रॉप को प्रमोट करता है. क्रॉप डाइवर्सिटी, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल मिलते हैं डिफरेंट एरियाज में, वो क्रॉप डाइवर्सिटी को एनकरेज करते हैं. अब जैसे देखो एल्यूवियल सॉइल है, पोटेशियम में रिच है, तो पेडी और शुगर केन जैसे क्रॉप्स के लिए अच्छा है. रेड सॉइल जो है आयरन कंटेंट है,
तो वो ग्राम क्रॉप्स के लिए अच्छा है, जैसे रेड ग्राम हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कैस्टर सीड हो गया, ठीक है जी। एंड हाई यील्ड आप अचीव कर सकते हो अगर आपका जो टाइप ऑफ सॉइल है और टाइप ऑफ क्रॉप है वो मैच कर रहा है। फॉर एरियाज इन विच सुटेबल सॉइल इज नॉट अवेलेबल, वहां पर आप न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में ऐड करते हो, क्योंकि आपको सॉइल तो रिच चाहिए ही चाहिए, तभी आपका क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा। और इस पॉइंट के साथ आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आप एक आधा अगर इनिशिएटिव डालना चाहो कि सॉइल हेल्थ कार्ड का इनिशिएटिव डाल दो, एंड रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एनकरेजिंग द फार्मर्स टू हैव अ सॉइल हेल्थ कार्ड। बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, एंड दिस विल बी इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, आप लिख करके मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। Highlight the various initiatives taken by government to promote digital agriculture in the country. 15 नंबर का ये क्वेश्चन लिखना है आपने 600 वर्ड्स के अंदर। टेलीग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जब आप शेयर करें तो इसको प्लीज वर्ड फाइल की फॉर्म में शेयर करें, पीडीएफ फाइल में मत शेयर करें, क्योंकि फिर मैं कमेंट्स देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। वर्ड फाइल के अंदर आप उसको शेयर करें, मैं वहीं पर आपका वर्ड फाइल के अंदर जहां आप आंसर लिखते हो उसी में रिव्यू एड करके वापिस आपको भेज देता हूँ, ठीक है। सो ठीक है गाइस, विद दिस वी विल एंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर, एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। हो सके तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड